सो हेलो एंड वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का ये पाठशाला के चैनल पे। माय नेम इज विजय और एक्सप्लेन सीरीज इस चैप्टर की पहले से अपलोड है। चैप्टर का नाम है प्लानिंग एंड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि नियोजन और सतत पोषणीय विकास। दोस्तों चैप्टर 9 जो है ना आपको केस स्टडी के बिहाव पे बताता है और इस चैप्टर से क्वेश्चंस आ रहे हैं। टर्म 2 के अकॉर्डिंग 20 मिनट की सीरीज में हम आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप हमारे साथ चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, और अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आप हमारे दूसरे प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम यूट्यूब और साथ में आप फेसबुक ट्विटर टेलीग्राम पर भी ज़रूर जुड़े। तो दोस्तों अब हम बात करने जा रहे हैं इस पूरे चैप्टर का मेन प्लानिंग से रिलेटेड। अब आपको अच्छे तरीके से पता है कि प्लानिंग करने के लिए घर में आप भी प्लानिंग करते हैं, एग्जाम के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, हम वीडियो बनाने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, हम आपको कितना अच्छी तरीके से पढ़ा सकते हैं उसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं। लाइफ में हर एक चीज़ के पीछे प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ऑफकोर्स प्लानिंग जो है थिंकिंग फॉर्मलाइजेशन स्कीम, उसके साथ साथ कैसे इम्प्लीमेंटेशन करना है, क्या एक्शन लाने हैं, क्या गोल अचीव करने हैं, एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन द प्लानिंग। क्योंकि प्लानिंग कमीशन हमने अपने इंडिया के अंदर बहुत अच्छे तरीके से बनाया है, तो जब हम प्लान करते हैं तो हम ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं तो हमें दो तरीके से करना पड़ता है। नंबर वन है हमारा सेक्टोरियल और उसके बाद है हमारा रीजनल प्लान। देखो सेक्टोरियल और रीजनल प्लान आपको समझना पड़ेगा जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कॉन्सेप्ट में मेन बातें क्या बताई जा रही है। एग्जाम्पल मैं देने की कोशिश करूंगा। देखो हमारे इंडिया के अंदर जब हम लोग आज़ाद हुए थे ऑफकोर्स हमने एक प्लानिंग कमीशन बनाया था 1950 के अंदर। अगर आपको याद नहीं है तो आपने 12th क्लास की पॉलिटिकल पढ़ी होगी, उसमें मैंने बताया है कि मार्च 1950 में प्लानिंग कमीशन हम लोगों ने बनाया। प्लानिंग कमीशन आज की डेट में 2014 में उसको नीति आयोग कर दिया गया है, लेकिन प्लानिंग कमीशन हमने बनाया इसी वजह से ताकि देश को एक सही तरीके से प्लान करके विकसित किया जा सके। अभी इसका नाम नीति आयोग हो चुका है। इसके चेयरमैन जो है नीति आयोग के ऑफकोर्स वो हमारे राजीव कुमार जी हैं, और ये आप कह रहे होंगे मैं एक्स्ट्रा क्यों बता रहा हूँ, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना भी जरूरी होता है, एक्स्ट्रा इन द सेंस 20 मिनट में खत्म हो जाएगा तो आप समझिएगा। 5-year प्लान हमने सोवियत संघ से लिया है, फंडामेंटल राइट्स सोवियत संघ बोले तो USSR, और फंडामेंटल ड्यूटीज भी हमने उन्हीं से ही लिया था। मेन बात ये होता है कि सरकार पूरी तरीके से ये कोशिश करती है कि अगले 5 साल के अंदर उन्हें कितना पैसा कहाँ कहाँ पे खर्च करना है, एंड दिस इज कॉल्ड द प्लानिंग कमीशन। सिंपल शब्दों में बहुत आसान है, कोई बड़ा रूल एंड रेगुलेशन है नहीं। अभी तक हमारे इंडिया के अंदर ये 12th प्लानिंग कमीशन चल रहा है। अभी हमने बीच में एक क्या कहते हैं प्लानिंग कमीशन का हॉलीडे भी करा था हमने, कुछ कहाँ पे ये रहा प्लान हॉलीडे भी हमने मनाया था, इसके ऊपर हमने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा हुआ है। अभी हमारा कोई प्लानिंग कमीशन नहीं है, लेकिन प्लानिंग कमीशन में अभी मतलब प्लान नहीं है अभी हमारा कोई, अभी हमारा बस $5 trillion इकोनॉमिक का मोदी जी का सपना है, देखते हैं कब पूरा होता है, लेकिन है। अब यहाँ पे मेन बात ये आती है कि सेक्टोरियल प्लान क्या होते हैं। देखो सेक्टोरियल यानी कि मेन होता है क्षेत्रीय योजना। क्षेत्रीय योजना के अगर सरकार को काम किसके ऊपर करना है, जैसे कि सरकार को काम करना है एग्रीकल्चर पे, सरकार को काम करना है इरिगेशन पे, मैन्युफैक्चरिंग पे, पावर पे, कंस्ट्रक्शन पे, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन, सो एंड सो। ये होता है सेक्टर कि सरकार कहेगी यार अभी हम इस सेक्टर में काम करेंगे, एग्रीकल्चर के सेक्टर को हमें बहुत ऊपर लेके जाना है, तो वो क्या हो गया सेक्टोरियल प्लान। एक होता है रीजनल प्लान। रीजनल प्लान के अंदर बहुत सारी जगह आ जाती है, जैसे मान लीजिए कि कोई एक जगह है राजस्थान, राजस्थान एक रीजन हो गया, उस राजस्थान के एक रीजन के अंदर हमें ये डेवलप करना है ये इलाका, सो दिस इज कॉल्ड द रीजनल प्लान। अब रीजनल प्लान के अंदर हमें टाइप ऑफ प्लानिंग देखनी पड़ती है कि वहाँ पे पानी की व्यवस्था कैसे करनी है, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था कैसे करनी है, तो एक रीजन एक इलाका हम सेलेक्ट कर लेते हैं और उस इलाके को हम डेवलप करने की कोशिश करते हैं, दिस इज कॉल्ड रीजनल प्लान। तो सेक्टोरियल प्लान और रीजनल प्लान में आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे मेन बात क्या होती है, हमें रीजनल प्लान के अंदर हमें ये फोकस करना पड़ता है। अब बात करते हैं कि सरकार जो है लक्ष्य योजना मेन किन किन चीज़ों पे बनाने की कोशिश करते हैं, इस पूरे चैप्टर के अंदर मेन है क्या, तो टारगेट प्लान जो है स्कीम बनाए जाते हैं ताकि बैकवर्ड रीजन जितने भी होते हैं इंडिया के उनको डेवलप किया जा सके, स्पेशली फॉर रूलर। भाई देखो जो शहरी इलाके हैं वो तो डेवलप है, उनको तो डेवलप करने की जरूरत नहीं, पर जो शहरी इलाकों के अलावा जो रूरल इलाके हैं वो भी धीरे धीरे अर्बन एग्लोमरेशन की वजह से अच्छे होते जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों आप सिंपल सा ये समझ के चलिएगा, अर्बन एग्लोमरेशन से अच्छे हो रहे हैं, लेकिन कुछ आज की डेट में भी ऐसी जगहें हैं जहां पर सही तरीके से चीजें डेवलप नहीं हो पा रही है, तो उन इलाकों को डेवलप करने के लिए सरकार ने कुछ कार्यक्रम और दिशा निर्देश चलाए। एग्जाम्पल के लिए उन्होंने करा कि कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया, उसके बाद ड्रॉट
प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम और उसके बाद क्या कहते हैं प्राउन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये वो इलाके होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा पिछड़े होते हैं और सरकार को इनमें दोनों चीज़ों पे काम करना पड़ता है, सेक्टोरियल में भी और साथ में रीजनल में भी। अब एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऑफकोर्स जब फिफ्थ प्लान बनाया गया था ये वाला पेपर में पूछा गया कि बताइए कि हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर क्या हुआ, उसके क्या फायदे हुए, किसने चलाया, इंदिरा गांधी जी ने। कब चलाया, 74 से 79 के बीच में इंदिरा गांधी ने फिफ्थ प्लान के टाइम पीरियड में 15 डिस्ट्रिक्ट को इसमें कवर करा गया, उत्तर प्रदेश, असम, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु के कुछ कुछ इलाके। इसे पूरी तरीके से 1989 में पूरी तरीके से रिकमेंडेशन मिल गई थी, प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। मेन काम क्या था इनका, ताकि रिड्यूस करे रीजनल इकोनॉमिक और डिस्पैरिटीज को, रिड्यूस करे पॉवर्टी को, दो वहाँ के लोग सेल्फ सफिशिएंट हो सके, अपने हिसाब को अपने हिसाब से काम कर सके, उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लाना और ऑफ कोर्स स्मॉल स्केल की छोटी मोटी जो इंडस्ट्रीज होती है उनको ग्रोथ करना इस प्लानिंग कमीशन के अंदर मेन काम था। अब यहाँ पे हमने कैसे एरिया को चुना, हमने कहा जो हाइट में 600 मीटर से अबव होंगे उन इलाकों को चुना जाएगा, 600 मीटर से अबव। तो 600 मीटर से अबव जितने भी इलाके होंगे वो हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर आएंगे और सरकार कोशिश करेगी कि इन इलाकों को डेवलप किया जा सके। आपको पता होगा दोस्तों कि यहाँ पे तो लाइटें वैसे ही नहीं आती है, बेचारे इनका जीवन यापन कितना मुश्किल से चलता होगा, इसीलिए ऐसे ट्राइबल रीजन को हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर रखा गया जहाँ पर पानी की सुविधा और दूसरे और ऑब्जेक्टिव पे काम करा जाएगा, जैसे कि हॉर्टिकल्चर पे काम करा जाएगा, प्लांटेशन पे, एनिमल हस्बेंड्रीज पे, पोल्ट्रीज पे, फॉरेस्ट पे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे, विलेज इंडस्ट्रीज पे, ऐसे इलाकों में काम किया जाएगा जिसका मेन मकसद है वहाँ के इलाकों को डेवलप करना। और उसके बाद है ड्रॉट प्राउन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऐसे इलाके जहाँ पे सूखा पड़ जाता है, और जहाँ सूखा पड़ जाता है तो ऑफकोर्स वहाँ के इलाकों में पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो ऐसे टाइम पीरियड पर इसको फोर्थ प्लानिंग कमीशन के अकॉर्डिंग इसको लाया गया, जिसका मेन मकसद है कि जहाँ पर ऑफकोर्स सूखा पड़ा हुआ है उधर के इलाकों में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, ऑफकोर्स वहाँ की जो दूसरी और चीज़ें हैं प्रोडक्शन उनको और अच्छी तरीके से असिस्ट करना, लेबर इंटेंसिव को अच्छा बढ़ा देना, उसके बाद क्या कहते हैं इरिगेशन प्रोजेक्ट को काफ़ी अच्छा ठीक करना, लैंड डेवलपमेंट और फॉरेस्ट अफर्मेशन यानी कि डिफॉर्मेशन नहीं अफर्मेशन पे फोकस करना। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि सरकार पूरी तरीके से उधर के इलाकों को और अच्छा डेवलप कर देती है। एग्जांपल के लिए वहाँ पे वो वाटरशेड बनवाती है, ऐसे वाटरशेड ताकि ज़मीन के अंदर क्या कहते हैं पानी भरता जाए, ऑफिसेज, स्कूल और बहुत सारी जगहों में ऐसे जो ग्राउंड वाटर लेवल है ना वो कंपलसरी बनाने के लिए कहा जाता है, तो ये चीज़ करी गई। बारिश का पानी, पौधा, जानवर, इन सभी इकोसिस्टम को अच्छा करने के लिए सरकार ने फोर्थ प्लानिंग कमीशन के तहत 67 डिस्ट्रिक्ट्स को चुना, जिसमें से भामौर रीजन एक जगह है जहाँ पर बताया है कि भामौर रीजन एक जगह है जहाँ सूखा है। ये ऑफकोर्स हिमाचल प्रदेश के चेंबर जिले के अंदर स्थित है, गादी ट्राइब इधर रहती है और ऑफ कोर्स वो बेचारे ट्रांस ह्यूमन करते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने वाली क्रिया करते हैं। इधर का इलाका लगभग 1818 स्क्वायर किलोमीटर का फैला हुआ है और इतने बड़े एल्टीट्यूड पे ही रहता है, 150 से 3700 बड़े एल्टीट्यूड पे हाइट पे रहता है। और जब ये यहाँ पे रहता है तो ऑफ कोर्स सरकार कोशिश करेगी कि इधर के इलाके अगर सूखे पड़े हुए तो इधर के इलाके भी डेवलप किए जाए, इसीलिए सरकार ने ऐसे ट्राइबल रीजन को जो बिल्कुल पूरी तरीके से मतलब आसपास ट्रिब्यूटरीज है पर यहाँ तक पानी नहीं पहुँच पाता है, इसलिए सरकार ने इनके चार रीजन को सिलेक्ट करा, होली, खांदी, कुर्ती और उसके बाद तुंगा। तो ये इलाके इन्होंने सेलेक्ट करे और सेलेक्ट करने के बाद इनको डेवलप करने की कोशिश करी गई, क्योंकि यहाँ पे हार्ज क्लाइमेट, रिसोर्स बहुत कम है, ऑफ कोर्स वहाँ पे बहुत ख़राब एनवायरनमेंट होता है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कोर्स सरकार का यही था कि ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एग्रीकल्चर, उससे संबंधित जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो, सोशल सर्विस लेके आए, एजुकेशन लेके आए, हेल्थ लेके आए, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब लेके आए। ऑफ कोर्स किसने करा, यहाँ पे इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया गया जिसके तहत पूरी तरीके से यहाँ पे लेटेस्ट से रेट बढ़ाया गया, जिधर ये 60 मीटर से अबव हाइट वाले हैं उधर और जहाँ पे सूखा है उधर। सेक्स रेशो में मेल फीमेल को अच्छा करा गया और उसके साथ फीमेल लेटेस्ट से रेट बढ़ाया गया, इन इक्वालिटी को ख़त्म करने की कोशिश करी गई और कैश क्रॉप पे फोकस करवाया गया इधर के इलाकों में ताकि इधर के लोग भी डेवलप हो सके। अब दूसरा आता है हमारा कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये वो इलाके होते हैं जो ऑफकोर्स सूखे से ग्रस्त तो होते हैं पर इधर के इलाकों को भी डेवलप किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है दोस्तों, करने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता। ऑफकोर्स सरकार ने क्या करा, राजस्थान को एक एग्जांपल दिया। राजस्थान जो है कैनाल सिस्टम का दुनिया का सबसे बड़ा एग्जांपल है। ये वो इलाके हैं जो ऑफकोर्स भामेर से कनेक्ट होते हुए, ऑफकोर्स यहाँ पे आप देख सकते हो रावी बेसिन की नदी से कनेक्ट करता हुआ पानी लाया गया। इन इलाकों में जहाँ पे पानी नहीं आ रखा है तो उन इलाकों को कनेक्ट करा गया।
इसको 1948 में लॉन्च करा गया था, इसको दो फ्रेज में लॉन्च करा गया है। आप देख सकते हो, एक तो 1960s में अप्लाई हुआ और इसके बाद 1980 में अप्लाई हुआ। इसका मेन मकसद यही था कि क्या कहते हैं, पाकिस्तान बॉर्डर के तहत जो पंजाब है, राजस्थान है, हरियाणा है, उधर की जितनी भी पैरल लाइन पर रहने वाले स्टेट्स हैं, सीमाएँ हैं या इलाके हैं, उनको अच्छे तरीके से हरा भरा किया जा सके। और यहाँ पे कवर करेगा ये सारे इलाके, आप देख सकते हो, ये तो आप यहाँ देख सकेंगे। ऑब्जेक्टिव में इससे फायदा हुआ इरिगेशन, उस पर डिपेंड होने वाले जानवर, ऑफकोर्स खेती ठीक ठाक हुई तो ऑफकोर्स अफॉरेस्टेशन हुआ, पर कैपिटल इनकम बढ़ा, ऑफकोर्स बढ़े गए, फूड प्रोडक्शन अच्छा हो गया, कल्टिवेशन एरिया बढ़ गया और क्रॉपिंग सिस्टम के अंदर बदलाव हुआ है। तो इस तरीके सरकार क्या कर रही है, इस तरीके सरकार इलाकों को डेवलप कर रही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट अब जरूरी क्यों होता है, ये हमें समझना जरूरी है। देखो, प्लान डेवलपमेंट से सरकार बहुत सारी चीज़ें कर रही है और करना भी चाहिए, पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको मुझे ज़रूर करना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मेन मकसद यही होता है कि प्रेजेंट टाइम पे होने वाले नीड्स को पूरा कर सके और आने वाली फ्यूचर की जनरेशन के लिए भी उन रिसोर्सेज को हम छोड़ सके, इसे ही हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। इसका मेन मकसद होता है इकोलॉजिकल सोशल इकोनॉमिक एस्पेक्ट, जो आज प्रेजेंट टाइम पे है, सभी को कंजर्व किया जा सके और फ्यूचर में सभी के नीड्स को भी पूरा किया जा सके। अब इसके लिए सरकार ने क्या निकाला तरीका, ऑफकोर्स स्ट्रिक्ट मैनेजमेंट पॉलिसीज निकाली वाटर वाली, जहाँ सूखा इलाका है उधर इलाकों पे क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, पानी को बचा के रखो, ग्राउंड लेवल वाटर इंक्रीज करने के लिए वाटर शेड बनाओ, रेन हार्वेस्टिंग करो, वाटर ग्राउंड बनाओ, ऑफ कोर्स वहाँ पे इसे स्टोर करो। तो सरकार ने ऐसी पॉलिसीज बनाई जिससे आने वाले लोगों को दिक्कत ना हो। प्रोटेक्टिव इरिगेशन करा, मतलब जहाँ पर पानी का कम से कम लेवल पे इस्तेमाल करके इरिगेशन किया जा सकता है तो ऑफ कोर्स प्रोटेक्टिव इरिगेशन आप लोग करिए। एक्सटेंटिव इरिगेशन फॉर द क्रॉप एंड द पेस्टुरस लैंड, मतलब उधर के इलाकों में ऑफ कोर्स खेती करने के लिए पूरी तरीके से क्रॉप और पेस्टुरस लैंड जो होते हैं खाने पीने के जानवरों की जगह है, उनको बढ़ाने की कोशिश करी गई। नो वाटर इंटेंसिव क्रॉप, ऐसे इलाके जहाँ पर ज़्यादा पानी लग रहा है और ऐसे पौधों को उगाने की ज़रूरत ही नहीं जिनमें ज़्यादा पानी लगाने की ज़रूरत हो, तो वो मना कर दिया। और ऑफकोर्स पूरी तरीके से कोशिश कराया गया कि वाटर लॉगिंग एरिया को बढ़ाया जाए और उन इलाकों को रिकैप्चर किया जाए। तो दोस्तों, ये था पूरा तरीका सस्टेनेबल डेवलपमेंट को और अच्छी तरीके से करने के लिए, और सरकार इन्हीं में फोकस करती है और सरकार को इन्हीं में फोकस करना चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से जो क्वेश्चन है वो आपका क्या कहते हैं, भामौर डिस्ट्रिक्ट वाला ज़रूर आ सकता है, और उसके साथ साथ क्या कहते हैं, किस तरीके सरकार ने हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया, उसके क्या बेनिफिट्स हुए, वो सरकार क्यों चलाती है, किसके तहत करती है, ये आपको समझना ज़रूरी है। तो जब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, 20 मिनट की सीरीज में ये चैप्टर में हमने खत्म कर लिए, जल्दी आपको अगले पार्ट में जल्दी मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। लाइक शेयर सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू एट दिस चैनल।